बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन। चलिए जब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी है, आज हम बनाएंगे काले चने, जो कि बहुत ही ताकतवर है, हमारे जिस्म में खून पैदा करता है, हड्डियों, पट्टों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इसका शोरबा बना के पिए, इसकी चाट बना के खाएं, इनको भून के खाएं। तो आज हम चने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक एक चम्मच, हल्दी आधा सॉरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च आधा हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा साबुत एक चम्मच, साबुत धनिया पिसा हुआ हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है दो चम्मच, प्याज है दो अदद, दरमियाने साइज के दो अदद टमाटर है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चना को रात को मैंने भिगो दिया था अच्छी तरह, धो के इसका पानी मैंने साफ कर लिया। इसमें ये सारे मसाले डालूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर रफली से काट के, प्याज है इनको भी रफली से काट लेंगे, ये डेढ़ ग्लास पानी डाल दूंगी। मेरे पास चने हैं एक पाव, अब इसको मैं लगा दूंगी प्रेशर। 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पानी खुशक हो गया माशाल्लाह, इसकी हम बुनाई करते हैं अच्छी तरह से। देखिए चने माशाल्लाह कितने अच्छे गल गए हैं। अब इसमें घी डालती हूँ, घी डाल के इसकी मैं बुनाई कर लेती हूँ। एक चम्मच मैंने घी का डाला है, अब इसकी करूँगी अच्छे से बुनाई। आजकल कुछ गैस का बड़ा इशू हुआ है, गैस बहुत कम आ रही है, उस वजह से ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। अब गैस बहुत कम है, इस वजह से इसको हल्की आँच पर मैंने रख दिया, ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हो गए, भुन गए मेरे चने। अब इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, ये चार हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, इनके मुंह मैंने खोल दिए थे। तब तक हमने बुनाई करना है जब तक चने घी ना छोड़ दें। चने माशाल्लाह भुन चुके हैं, अब एक गिलास इसमें पानी का डालूंगी, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। इसमें चने मेरे माशाल्लाह पक चुके हैं, एक चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी, देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इसको बनाएं, खाएं, इसका शोरबा पिए, इसको भून के खाएं, ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। डॉक्टर भी पता यही कहते हैं, कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा चने ज़रूर खाने चाहिए। सालन मेरा रेडी हो गया, अब इसको मैं करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह जी देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, इनका जायका पाए से शोरबे के से ज़्यादा है।
माशाल्लाह, ये थी मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।